दीपक नहीं उस तरफ नहीं। कभी कभी आप जब ऐसी जगह आते हैं तो कब आप एंजॉय करते करते किसी मुसीबत में फंस जाएं, इस चीज़ का कोई भी आपको पहले से आइडिया नहीं होता। धीरे धीरे बर्फ़ और ज़्यादा गिर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इस जोन से बाहर निकल जाएं और एक सेफ लोकेशन तक हम लोग पहुँच जाएँ। हाँ -3 चलो बैठो। टेम्परेचर चला गया है -3, तो देखिए धीरे धीरे कितना ज्यादा यहाँ पर ठंडा हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, दीपक ये सबसे भयंकर। आराम से आना दीपक। हाँ चलो चलो, कोई नहीं, मोड़ हैंडल, मैं पीछे हूँ, चलते रहे बिना घबराए। हाथ सुनोगे होंगे? नहीं नहीं, हाथ ठीक है। ठीक है, हाथ पैर ठीक है, बस नहीं चलना इस बर्फ के ऊपर। इजी 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 आ रहे हैं, जहां दिक्कत लगेगी रुक जाना, पीछे से आ रहे हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, बाइक कैसे निकालनी पड़ रही है यहाँ से। टाइम भाई, टाइम मत करो। पूरी टीम ने बहुत हिम्मत रखी हुई है। आगे आलोक भाई, आप लोग आलोक भाई सही चल रहे हैं। आलोक भाई के पीछे आप चलो भैया, मंदीप फिर तू लगा ले, थर्ड नंबर पे मंदीप लगा लो। आलोक भाई नंबर 1 बुलेट, नंबर 2 मंदीप, चल विजय रुक जा, तू तीसरे चौथे नंबर पे चल मंदीप के पीछे। चलो आलोक भाई आ जाओ। यार ये तो बर्फ बहुत ज्यादा ज्यादा होती जा रही है। सही कह रहे हो। विजय आऊं? ठीक है, चल आराम से चल। वैसे टायर ठीक है उसके भी, वो दिख रही है उसके टायर में। दोस्तों स्नोफॉल बढ़ता ही जा रहा है, ये बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
और अगर इसी तरह से रहा तो शायद आगे खतरा और ज़्यादा बढ़ने वाला है डेफिनेटली। रुको मत। जहाँ बर्फ क्लियर हो जाएगी फिर रुकेंगे। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। हेलो भाई, आगे लो आप। चलो भैया साकिन, आप चलो मंदिर थर्ड नंबर पे रहना। चल विजय, मूव करो, गैप बना के। मेंटेन द गैप। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जान आ गई सबके अंदर? काफी जान आ गई। ओके चले फिर। अब तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने आके थोड़ी देर आग सेक और चाय वाय पी के अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। बहुत राहत मिल गई वैसे सबको ना, बहुत राहत मिल गई। ये थे भैया लोग यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे आग जला रखी थी। थैंक यू सो मच भाई लोग, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जाने बचा लिया आपने, नौ जाने। दुआ देंगे हम आपको, दुआ देंगे हम आपको। सबके अंदर पूरी एनर्जी वापस आ गई है और अब हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर। दोस्तों जैसे ही हम लोग चाय पी के बाहर निकले तो हमने देखा कि मौसम भी हमारा साथ दे रहा है और हल्की हल्की धूप निकल आई है। तो अब हम लोग निकले हैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। ये रहा दोस्तों मंदिर, बिल्कुल बगल में ही है। हार्डली आपको 10 कदम चलना है बस बाइक पार्क करके, बिल्कुल भी दूर नहीं है। ये देखिए आप देख सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये है दोस्तों ओमकारेश्वर महादेव मंदिर, शीतकालीन केदारनाथ भी आप बोल सकते हैं। पहले हाथ धो लेते हैं। तो दोस्तों ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन हो गए हैं। पंडित जी ने हमें बताया कि ये पंच केदार का गद्दी स्थान है, मतलब अगर आप पंच केदार के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो आप ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिए। तो पांचों केदार दर्शन करने नहीं, इसका महत्व माना जाता है। जब केदारनाथ में दर्शन, अच्छा आरती आरती होती है तो यहाँ लाइट चलती है। पंडित जी बता रहे हैं कि जो पीछे स्क्रीन लगी हुई है बैकिंग साइड में, उसमें केदारनाथ जी का जो है लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर चलता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं केदारनाथ महादेव के।
आपका शुभ नाम पंडित जी? राजीव बेरोला। अच्छा, पंच केदारों में आते हैं भगवान। सबसे पहले केदारनाथ जी, हाँ जी, मधमेश्वर, हाँ जी, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, हाँ, और कल्पनाथ, पांचों केदार हैं। अच्छा, सबके दर्शन यही जी पे ओंकारेश्वर मंदिर उक्ति मठ में पंच केदार गद्दी स्थान है। यहाँ पे पांचों केदारों की पूजाएं होती है। तो दोस्तों, ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन हो गए हैं और हमें जल्द से जल्द आगे मूव करना होगा, बिकॉज बारिश फिर से शुरू हुई है। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और फाइनली हमारा 3 दिन का जो ट्रिप था वो कंप्लीट होने वाला है और 1 घंटे बाद हम लोग देहरादून पहुंच जाएंगे। और आज का जो सफ़र था वो बहुत ही सॉलिड रहा, मतलब पहले हमें बर्फ़ मिली, उसके बाद हमने बारिश का सामना किया। तो चलिए एक बार सारे दोस्तों की तरफ से आपको बाय 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 गुड्डू भाई की तरफ से बाय बाय और मंदी भाई की तरफ से भी बाय और दीपक भाई की तरफ से भी बाय बाय। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और मिलते हैं जल्दी फिर से एक नई ट्रिप के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आधा घंटा करियो है, एक पैर की कर पहले, एक पैर की कर, एक पैर की कर।